जैसे पुष्पा भाव KGF KGF 2 चैप्टर रॉकी भाई रश यश वाली। अब वो मूवी का चैप्टर 2 था, मैंने चैप्टर 1 देखा हुआ था कुछ अरसा पहले। जाहिर सी बात है कोविड से पहले उसको रिलीज होना था, वो रिलीज नहीं हो सकी तो वो लेट रिलीज हो गई। अब जब वो मैंने मूवी देखी KGF 2 तो वो मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि उसमें दिलावर का भी नाम आ रहा था, एंड्रू का भी नाम आ रहा था, साइमन का भी नाम आ रहा था। हालांकि मूवी मेरी देखी हुई थी लेकिन वो चैप्टर 2 मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? फिर मैंने सोचा बीइंग अ टीचर क्यों, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया। चैप्टर 2 को समझने के लिए मुझे चैप्टर 1 पहले से देखना था। तो मैंने जब वो चैप्टर 1 देखा तो फिर मुझे एंटरटेनमेंट जैसी मूवी फिर समझ में आई। तो KGF से बहुत से लोग कुछ और हासिल करते हैं। इसमें तीन बड़े लेसन हैं जो हर स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए, बल्कि हर इंसान को फॉलो करना। पहला, रिवीजन इज मस्ट। अगर आपको चैप्टर 2 समझना है मूवी का तो चैप्टर 1 आपको समझा हुआ हो, देखा हुआ हो, क्योंकि इंटर रिलेट होती है बातें। दूसरा, कि अपने पेरेंट्स की विल को फुलफिल करो। 2 के स्टार्टिंग में या शायद 1 में एक सीन था कि उसकी अम्मी उसको सुला रही होती है, वो फिर उसे पूछता है कि समंदर में इतनी चमक क्यों है। देखो आप रिलेट करो, मूवी से गेन करो। तो वो बोलता है कि भाई, अम्मी उसकी बोलती है भाई समंदर में सोना, ठीक है। तो वो फिर उसकी अपनी माँ को बोलता है अम्मी आपको सोना पसंद है या नहीं, वो बोलती है कौन सी है ऐसी औरत होगी जिसको सोना पसंद नहीं, ठीक है। तो फिर वो अपनी सारी जिंदगी किसमें लग जाता है, गोल्ड इकट्ठा करने में। हालांकि उसका टारगेट ये नहीं होता कि वो गोल्ड इकट्ठा करे, उसका टारगेट ये था कि पेरेंट की विश फुलफिल करे। तो आप लोगों के पेरेंट्स की विश है आपके ऊपर, क्या विश है कि भाई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बड़े आदमी बनो, ठीक है। तीसरा उसमें मेन लेसन था, जब वो छोटा होता है चैप्टर 1 का सीन है शायद, वो कोई जूता वगैरह पॉलिश कर रहा होता है तो वहां एक स्टेचू बना होता है, उस स्टेचू में वो उसे पूछता है ये क्या है, बोला भाई ये ब्रांड है। ब्रांड क्या होता है भाई, जिसका अपना नाम है। तो ट्राई टू बी अ ब्रांड। ब्रांड का ये मतलब है कि हम अपनी फील्ड में इतने कामयाब हों कि लोग हमें फॉलो करें। तो तीन लेसन आप अगर आप ये KGF वाले रॉकी भाई यश भाई वाले फॉलो करो, पहला के रिवीजन करो, दूसरा पेरेंट्स की विश को फुलफिल करो, तीसरा बी अ ब्रांड, ब्रांड इन टर्म्स ऑफ योर फील्ड, तो आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू।